आज हम बात करेंगे युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवर की। तीर की तरह उछल तू के ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने का हुनर और देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ टोक्यो ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार हैं निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवर। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ओलंपिक खेलने की, ओलंपिक जाने की। अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा ओलंपिक में मेडल लाने की। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने का ही नाम है दिव्यांश। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दिव्यांश ने जूनियर स्तर पर ही अपने खेल से ये जता दिया था कि उनमें कुछ बड़ा करने का दमखम है। दिव्यांश के नाम 2019 के ISSF विश्व कप में 4 स्वर्ण पदक हैं। व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में भी देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल की। दिव्यांश टोक्यो में बेहतर करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार का पूरा साथ भी मिल रहा है। गवर्नमेंट और साइका में काफी सपोर्ट मिला है हमें। उन्होंने फाइनल हॉल दिया है, प्रोवाइड किया हमारे लिए, बहुत ही अच्छी रेंजेस बनाया हमारे लिए। ट्रेनिंग में फाइनल हॉल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्टेटस थोड़ा सा अलग होता है। दिव्यांश की माँ निर्मला पनवर बताती हैं कि खेलों के महाकुंभ के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिव्यांश बहुत मेहनत कर रहा है इस समय। सुबह 5:30 बजे उठना, वर्कआउट करना, रेंज जाना, मेडिटेशन करना, उसके बाद जो उनकी प्राइवेट कोच के रेंज है उसमें जाना, रात को 10:30 बजे फिर वो वापस आता है। हर खिलाड़ी की तरह दिव्यांश के भी ओलंपिक से जुड़े अपने सपने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊं। बुलंद हौसले, दृढ़ इच्छा शक्ति और युवा जोश के साथ दिव्यांश टोक्यो में निशानेबाजी को एक नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे।